हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आई ड्रॉप डालने का सही तरीका के बारे में और आई ड्रॉप को इस्तेमाल करते समय क्या करें और क्या न करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दिन भर बाहर रहने से आंखों में जाने वाली गंदगी और खराब जीवन शैली के कारण आजकल अधिकतर लोगों को आंखों में इन्फेक्शन या ग्लूकोमा जैसी समस्याएं हो जाती हैं। वैसे तो ये समस्याएं सिर्फ आई ड्रॉप के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन कई लोगों को आई ड्रॉप को ठीक से इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं आता है। अगर आप अपने आंखों में सही तरीके से दवा नहीं डाल रहे हैं तो यकीन मानिए फिर ये आपकी आंखों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे आई ड्रॉप डालने का सही तरीका के बारे में। आई ड्रॉप इस्तेमाल करते समय ये सब करें। 1. सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धो लें। 2. आई ड्रॉप की एक्सपायरी डेट चेक कर लें। 3. ड्रॉप की बोतल को खोलते ही उस पर डेट लिख दें, क्योंकि ड्रॉप की बोतल खोलने के एक महीने के अंदर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 4. अगर ड्रॉप सस्पेंशन वाली हो तो उसे इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से हिलाएं। इसके बाद अपने सिर को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाएं और आंख में एक या दो बूंदे डालें। 5. ड्रॉप की बोतल को खोलने के बाद उसके कैप को संभाल कर रखें। 6. आई ड्रॉप लगाने के बाद आंखों के कोने में नाक के पास हल्के से दबाएं, ताकि आई ड्रॉप नाक से होकर गले में नहीं पहुंचे। 7. आई ड्रॉप लगाने के बाद आंखों को कम से कम 10 सेकंड के लिए बंद रखें, फिर खोलने के बाद पलके झपकाएं जब तक आपको साफ साफ दिखने न लगे। 8. अगर कोई दूसरी आई ड्रॉप भी डालनी हो तो कम से कम 10 मिनट का इंतजार करें, उसके बाद ही डालें। 9. अगर आपको आई ड्रॉप के साथ आई ऑइंटमेंट भी लगाना है तो पहले ड्रॉप डालें, उसके बाद ऑइंटमेंट लगाएं और ऑइंटमेंट लगाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही अगली बार ड्रॉप डालें। 10. आंखों में कितनी दवा कब डाल रहे हैं इसका रोजाना का रिकॉर्ड रखें और डॉक्टर ने ड्रॉप की जितनी मात्रा बताई हो उतना ही इस्तेमाल करें। आई ड्रॉप डालते समय क्या नहीं करना चाहिए। 1. जब आपकी आंखें लाल हो गई हो उस दौरान आंखों में दवा न डालें। 2. ड्रॉप डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी नोक आंखों को टच न करे। 3. आंख के काले वाले गोल हिस्से में बूंदे न डालें और कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए कभी भी आई ड्रॉप न लगाएं। 4. एक के बाद दूसरा आई ड्रॉप कभी भी तुरंत न डालें, बल्कि थोड़ा देर रुक कर डालें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।